जी हाँ दोस्तों, आप जो इस थंबनेल पे लिखा हुआ देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही पढ़ रहे हैं। जी हाँ, छात्रों के साथ अब कुछ खेला हो गया है। क्या हो गया है समझिए इस नोटिफिकेशन के थ्रू। ये नोटिफिकेशन आपको तो याद ही होगा जो एनुअल कैलेंडर का है। इसमें आपको क्या दिया गया था कि जनवरी से मार्च के बीच एएलपी की वैकेंसी आएगी और आरआरबी ने इस चीज के कमिटमेंट को पूरा भी किया है। और उसके बाद कहा गया था, इसमें ध्यान दीजिएगा, कि अप्रैल से जून के बीच टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी और उसको कंप्लीट किया जाएगा। और रेलवे ने इस चीज के कमिटमेंट को भी पूरा किया है। लेकिन अब आगे जुलाई और सितंबर के बीच एनटीपीसी की वैकेंसी आनी थी, जिसमें ग्रेजुएट लेवल और नॉन ग्रेजुएट लेवल, साथ ही पैरामेडिकल पैरामेडिकल कैटेगरीज की बहुत सारी वैकेंसीज हैं वो आनी थी, जूनियर इंजीनियर की आनी थी। अब उसको लेकर के कुछ शंकाएं हैं, उसी के बारे में आपको चर्चा करेंगे। और कहा गया था इसमें, ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया गया था कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच लेवल वन और बहुत सारे मिनिस्ट्रियल जो है वैकेंसीज आने वाली थी, कैटेगरीज में डिवाइड है। तो लेवल वन कहने का मतलब है कि ग्रुप डी, लेकिन 1 मार्च 2024 से ग्रुप डी नाम हटा दिया गया है। ग्रुप डी भूल जाइए, उसको ग्रुप डी नहीं कहते हैं, उसको ग्रुप सी में अब शामिल कर दिया गया है। आरआरबी का कहना है मेरे यहां अब ग्रुप डी नहीं होता है, ग्रुप सी होता है। बस लेवल में कैटेगराइज किया गया है कि लेवल 1, 2, 3, 4, लेकिन अब नाम ग्रुप डी हटा दिया है, ग्रुप सी में ही उसको शामिल किया गया है। तो अब देखिए, एक नया वैकेंसी, न्यू वैकेंसी के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो काफी यूट्यूब पर लोग ट्रेंड करवा रहे हैं इस चीज को और दिखा रहे हैं। क्या वह सच में है या नहीं है, उस चीज के बारे में देखते हैं और चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको क्या दे दिया है कि इसमें आपको दिया गया है कि एनटीपीसी, ध्यान दीजिएगा, ये जो है सबसे पहले तो न्यूज देख लीजिए कि ये न्यूज जो है 10 अप्रैल 2023 को जो है आया था, ठीक है। यही जो है सारे यूट्यूब पे चलाए जा रहे हैं और लोग देख रहे हैं। इसमें एनटीपीसी लेवल वन, लेवल 4, 5 एंड 6 के बारे में है, और एनटीपीसी के है नॉन ग्रेजुएट के लिए जो है लेवल 2, 3 के बारे में दिया गया है। तो इसमें क्या किया है आरआरबी ने, वो मैं आपको समझा देता हूं। आरआरबी ने क्या कहा है कि मेन हेडक्वार्टर जो आरआरबी का है, उसने कहा कि सारे जितने भी जोन की है सारे की वैकेंसी मैं नहीं निकालूंगा। ये क्या किया है कि जो वैकेंसी है एनटीपीसी की लेवल वन की यानी ग्रुप डी की, बहुत सारे वैकेंसीज वो किसी ना किसी के मत्थे थमा दिया गया है कि भाई आप देख लो, हम सारी वैकेंसी हम अपने जिम्मे नहीं लेते हैं, सबको ठेका दे दिया है कि आप समझ लो उस चीज को। तो आप समझिए कि इसमें क्या किया गया है। तो इसमें जो है एनटीपीसी लेवल 4, 5 एंड दे दिया है 6, इसका जो है जिम्मा, और एनटीपीसी जो है आपको नॉन ग्रेजुएट जो है जो +2 के लिए होता है वो जो है इसमें 2, 3 के लिए उसको जिम्मा किसके किसके हाथ दे दिया गया है, तो आरआरबी अहमदाबाद, मतलब कि आरआरबी अहमदाबाद एनटीपीसी की वैकेंसी निकालेगी, ठीक है। एनटीपीसी की वैकेंसी चाहे वो ग्रेजुएट लेवल की हो या नॉन ग्रेजुएट लेवल की, एनटीपीसी की ठेके किसने ले लिया, अहमदाबाद ने। अब वो सारे जोन से डाटा कलेक्ट करेगी और वो एनटीपीसी की वैकेंसीज निकालेगी, तो ये किया गया है। उसके बाद नोडल आरआरबी जो है आपको पटना को भी दिया गया है, ठीक है। तो पटना को क्या दिया गया है देख लीजिए, इसमें दे दिया है पैरामेडिकल कैटेगरीज की वैकेंसी। जितने भी रेलवे में पैरामेडिकल कैटेगरीज की वैकेंसी आएगी वो किसके मध्य ठेका दिया गया है, तो आरआरबी पटना के, आरआरबी पटना डिसाइड करेगी कि क्या कब निकालनी है कब नहीं निकालनी है, और सारे जगह से डेटा कलेक्ट करेगी वो, ठीक है। उसी तरह से लेवल वन और मेडिकल के बहुत सारे जो है आइसोलेटेड कैटेगरीज हैं मिनिस्ट्रियल के, उसके जो है ठेका किसके अंडर दिया गया है, तो देख लीजिए गुवाहाटी के अंदर है, ठीक है। और जो है ग्रुप डी का देख लीजिएगा, ग्रुप डी का जो है भोपाल के अंदर ठेका दिया गया है, तो ये भोपाल जो है उसका जिम्मा ले रखी है कि ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी और वो निकालेगी, सारे जगह से डेटा कलेक्ट करेगी ग्रुप डी के लिए भोपाल नोडल। तो आरआरबी ने खुद जो हेडक्वार्टर है वो डिसाइड ना करके वो किसी ना किसी के क्या कर दिया है कि ठेका दे दिया है, मथे थमा दिया है कि अब वो डिसाइड करे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक ही आरआरबी खुद मुख्यालय से सारे जगह से डेटा कलेक्ट करके वो वैकेंसी निकालती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सबको दे दिया गया है। अब समझिए इस चीज को, आगे आगे समझना ये है, हाँ, तो आगे ये समझना है कि एनटीपीसी ग्रेजुएट की जो वैकेंसी लेवल 4, 5 एंड 6 की है और एनटीपीसी नॉन ग्रेजुएट लेवल जो +2 की है,
वो कब आएगी और कब नहीं आएगी ये जब समझ लीजिए। तो इसको जो पूरा किया जाएगा इसमें देख लीजिए 30/6/2025 तक की जो है एनटीपीसी की वैकेंसीज को पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा इसमें रेलवे की जो है वैकेंसी नोटिफिकेशन आई है उसमें कहा गया है। जैसा कि अभी पिछले बार की एएलपी और टेक्नीशियन के कमिटमेंट को रेलवे ने पूरा किया है, तो अंदाजा है और पूरा विश्वास है कि इसे भी पूरा करेगी, ठीक है। और इसको जो है जून 2024 तक इसका नोटिफिकेशन कंफर्म कर दिया जाएगा आपको। उसके बाद जो है आपको मैं बता देता हूं, जूनियर इंजीनियर ये भी है उसमें शामिल और पैरामेडिकल की कैटेगरीज भी बहुत सारे इसी में शामिल है। तो 30/6/2025 तक के सारे को वैकेंसी की जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और जून तक के है इसका पूरा फॉर्म कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद मैं बता रहा हूं लेवल 1, ध्यान दीजिएगा लेवल 1, लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी को ही लेवल 1 कहते हैं दोस्त। इसमें जो है आपको लेवल 1 और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरीज की वैकेंसी जो है वो जो है आपको 30/9/2025 तक के जो है कलेक्ट किया जाएगा डेटा और उसको जो है कब कंडक्ट करवा लिया जाएगा, तो सितंबर 2024 में इसको जो है पूरा नोटिफिकेशन जारी करके फॉर्म अप्लाई करवा लिया जाएगा। तो इस बात को समझ लीजिए कि आपकी जो रेलवे ग्रुप डी के लोग जो वैकेंसी की वेट कर रहे हैं उसको मैं बताता हूं कि वो सितंबर तक उनको वेट करना पड़ेगा, सितंबर में उनकी फॉर्म भरी जाएगी, ठीक है। नोटिफिकेशन आपकी देख लीजिए जुलाई से अगस्त के बीच में आपकी आ जाएगी। तो आपको मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि जो लोग एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं और वो अगर मान लीजिए कि वैकेंसी की नोटिफिकेशन की आ जाए एनटीपीसी की, ऐसा नहीं कि वो एएलपी की तैयारी छोड़ करके एनटीपीसी की तैयारी टेक्नीशियन की तैयारी छोड़ करके इसमें लग जाए, नहीं, क्योंकि आपका फॉर्म पहले भरा गया है एएलपी की टेक्नीशियन की आरपीएफ की। तो दोस्त इसमें क्या होगा कि एग्जाम भी उसकी पहले होगी बाद में इसकी होगी। तो पहले क्या करना है हमें कि पहले जो फॉर्म आप अप्लाई कर रखे हैं उसकी तैयारी जी जान लगा के कर लीजिए और फिर इसको बाद में इसको तैयारी कर लीजिए क्योंकि इसकी एग्जाम बाद में होगी। आप जो तैयारी कर रहे हो मैं उसकी सिलेबस की बात बता देता हूं। एएलपी की सिलेबस औरों से थोड़ा बहुत डिफरेंट है, टेक्नीशियन की थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन आरपीएफ एनटीपीसी ग्रुप डी इसकी अगर मैं सिलेबस की बात कर लूं दोस्त तो इनकी सिलेबस सारे एक दूसरे से मैच करते हैं। इसलिए जो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं वो इनकी सिलेबस कॉमन है, इसमें तैयारी भी कर सकते हैं और जो टेक्नीशियन आईएलपी की तैयारी कर रहे हैं उनका भी बहुत सारा सिलेबस है जो इसमें मैच करता है। तो ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर इसकी वैकेंसी आई तो उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको आप फोकस करिए पढ़ते रहिए, बस इसको भी बाद में कंप्लीट कर लिया जाएगा उसके एग्जाम के बाद, ठीक है। अब समझिए इसमें कि वैकेंसी कितनी आनी वाली है, लोगों को डाउट है ये चीजें कि वैकेंसी कितनी आएगी नहीं आएगी, तो एक बात समझ लीजिए, चलिए मैं आपको बताता हूं। अब इसको देख लीजिए, ये क्या है कि एक आरटीआई के तहत जो है मांगा गया डाटा है। इस आरटीआई के तहत जो डाटा मांगा गया था इस डाटा में क्लियर डाटा कलेक्ट कर मांगा गया था ये वैकेंसीज के बारे में, तो रेलवे ने क्लियर नोटिफिकेशन में उन्होंने अपना दिया है ये चीजें जवाब, देख लीजिएगा। हाँ देख लीजिए, इसमें जवाब दिया था कि रेलवे जो है उसके पास ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 की जो वैकेंसी खाली है दोस्त 2,36,900 समथिंग वैकेंसी खाली है। तो क्या ये 2,36,900 वैकेंसी एक साथ आने वाली है? तो नहीं, बिल्कुल एक साथ नहीं आने वाली है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपका क्या है वैकेंसी रेलवे प्रत्येक साल ला रही है, तो स्वाभाविक है कि छोटे छोटे पैक में आपको दिया जाएगा वैकेंसी, एक साथ नहीं दिया जाएगा। तो अगर वैकेंसी ये जो 2,36,000 है वो एक साथ तो नहीं आनी है। रही बात टेक्नीशियन एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी की आखिर वैकेंसी आएगी कितनी? तो दोस्त मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप सोच रहे कि एनटीपीसी की वैकेंसी 1,00,000, 1.5 लाख या 50,000 आए तो वो नहीं आएगी। आएगी कितनी आएगी ये समझ लीजिए, क्योंकि हर साल देगी वैकेंसी, उस हिसाब से अगर देखा जाए मेरा जहां तक थॉट है अनुमान है उस हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि 10 से 15 हजार तक के एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। ग्रुप डी की बात अगर कर लूं तो 2,36,000 समथिंग वैकेंसी 900 समथिंग है वो नहीं आएगी। ग्रुप डी की भी वैकेंसी 50,000 प्लस आएगी लेकिन 1 लाख से नीचे रहेगी, ठीक है, एक साथ नहीं आएगी। तो दिक्कतें इसमें होगी, जो कैंडिडेट हैं उनको दिक्कतें होगी क्योंकि वो जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, बहुत
एक साथ जो है क्या हो गए कि भीड़ बढ़ेंगे, कटअप बढ़ेंगे, लेकिन एक ये भी बेनिफिट है कि प्रत्येक साल वैकेंसीज आ रही है। तो तैयारी कीजिए, लगे रहिए। तो थोड़ा सा यहाँ ये दिक्कतें हैं, खैर कोई नहीं, तो जहां तक है तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। और अगर साइंस या जो भी एनटीपीसी रेलवे के जो भी तैयारी आप कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ करके मेरे चैनल पे भी आप जो है स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जो रेलवे में आने की सबसे ज्यादा संभावना बनती है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।